अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। आज हम फिर से आ गए हैं दी स्पॉट के अंदर और हमारे साथ मौजूद हैं स्टार प्लेयर जूजी, जो कि काफ़ी ज़्यादा घूम फिर के आए हैं और आज ही इनकी वापसी हुई और आज ही हमारे साथ खेलने आ गए। यहाँ पे एक बड़ा ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट हो रहा है 8 टीम्स का और पहला ही मैच हमारा है। लेट्स सी क्या होता है। 4 ओवर का मैच है, 4 ओवर में कोशिश ये करेंगे 30-35 मैक्सिमम रन है ये हम दें बॉलिंग में और वो हम टारगेट अचीव कर लें इंशाल्लाह। बाबू भाई टीमें घेरने में लगे हैं अभी तक, क्या टीमें पूरी नहीं हुई तुम्हारी? टीम तो पूरी है, कोई आया नहीं टाइम पे। तो ये क्या सीन है आज? नहीं आया टाइम पे, किसी से एडवांस नहीं लिया हुआ, सब पुराने पुराने टीम है। हमने टोपी ना करा, देखो एक 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 करके आ रहे हैं। चलो खैर आ जाएंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह, करा दो बेटा, 2 घंटे में भी करा दूंगा टीमों का मैच। दिस इज बिजनेस। असम कब जितवाओगे भाई? अरे यार हारिस भाई, तो स्पॉट पे तो खैर आ जाएंगे इंशाल्लाह खेलने के लिए। पूरी उम्मीद है, बैट भी अच्छी होगी, बॉलिंग भी अच्छी होगी, ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इंशाल्लाह। जूजी भी आया है आज, बड़ी साइड है भाई, और भी 25 लड़के आए हैं, 6-7 टीमों का मैच है। 4 ओवर का मैच है, कितने रन एक्सपेक्ट कर रहे हो? ओपोनेंट टीम बनाएगी, ओपोनेंट की बैटिंग है, क्योंकि 1 ओवर जो है हो सकता है डैडी का भी आ जाए इसमें। देख रहे हैं कितना खुश हो गया डैडी, 60 रन तो पे डन है, 60 रन पे डन है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश ये है कि 3 ओवर में एटलीस्ट 30-30 के अंदर रोके, ताकि 4 ओवर में 30 रन के अंदर रोके, ताकि ब्रांडिंग की प्रॉब्लम ना हो और इजीली सारे रन हो जाए। चलो इंशाल्लाह कोशिश ये के अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप जूजी भाई? कहाँ गए थे आप इतने टाइम से? पहाड़ों में समा, आपकी स्टोरीज देख रहे थे हम माशाल्लाह से भाई, पहाड़ों में घूम आप, कब आए वापसी? अभी तो मैं तो बाकी में समझा तो मुंजा में तुम्हारी कॉल आई, मैंने बोला ये क्या मुंजा से कॉल कर रहा है? अपने घर गया हुआ था मुंजा, बस आज ही सुबह वापस आया हूँ। अच्छा सुबह बैक टू क्रिकेट, बैक टू क्रिकेट क्या बैक? कैसा मौसम, मौसम कैसा था? मस्त भाई, बर्फबारी मिली है, फुल बर्फ मिली है, लाइव लाइव इंशाल्लाह आपको अगली स्टोरीज में देखेंगे। वो इंशाल्लाह सारी डाल नहीं रहा ना, फिर वो बहुत सारी हुई थी 20-25 एक साथ, तो मैं दिन डिवाइड किया हूँ, एक दिन हुंजा एक दिन नारायण। कहाँ कहाँ गए थे? पूरा सोच तो हुंजा कैसे गए तुम लोग? वो दूसरे रस्ते से नहीं उड़ के गए भाई? बाबू सर टॉप तो बंद होगा ना? नहीं, हमारे टाइम पे खुला हुआ था, पठान के टाइम पे बंद होगा। वाकई में हम जब वापस आ रहे थे उस टाइम पे बंद कर रहे थे, तो हम लोग बाबू सर से ही वापस आए। अच्छा। हम पहुंचे उस टाइम पे बंद हो चुका है, जो क्रॉस हुई थी गाड़ी उनको अलाउ था भाई। 4 ओवर का मैच है, असम आ गए बॉलिंग पे पहला ओवर करने के लिए। पहली बॉल हमाद के पास गई बॉल, और हमाद को हमने रेंट पे उठाया है फील्ड पे। आरिफ भाई कह रहे हैं बैटिंग है बॉलिंग, मैंने कहा नहीं फील्डिंग है आज, सिर्फ फील्डिंग कर रहा है हमाद, हमारी साइड से नहीं खेलता। दूसरा बॉल और गुड फील्डिंग, 2 बॉलों पे अभी तक कोई भी रन नहीं आया है। अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं असम, इंडोर में काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं। तीसरा बॉल, क्या बात है भाई, निशाने बड़े पक्के हैं जोजी भाई के, क्या बात है, गुड फील्डिंग भाई, गुड फील्डिंग डन है। बैटिंग में पता चलेगा वो तो अभी भाई। हमारी साइड से कब खेलेंगे आप? हमेशा अगेंस्ट आए तो यार, आप एक जब मैं बुलाता तुम बोलते हो ऑलरेडी मैं वहाँ से अगेंस्ट आ रहा हूँ आपके। आएंगे इंशाल्लाह, जब आप पहले 2 दिन पहले बताएंगे इंशाल्लाह आपकी टीम से। चलो ठीक है इंशाल्लाह। 4th बॉल भी डॉट करा दिया भाई, मेड इन ओवर लग रहा है मुझे आज, करा देंगे असम। 4 बॉलों पर अभी तक कोई रन नहीं आया, अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं असम। ओवर का 5वां बॉल और एक और डॉट बॉल, 5 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स, क्या बात, आखिरी भी अच्छा करना है। आखिरी बॉल ओवर का असम, ओह अंपायर का इशारा वाइट बॉल, 1 रन आ गया है, तो ये ओवर जो है मेड इन नहीं जाएगा। अब लास्ट ओवर, फर्स्ट ओवर, पहले ओवर का लास्ट बॉल अभी बाकी है, और क्या बात है हमारा, एक्सेलेंट फील्डिंग है, गुड फील्डिंग हम बात की, और 1 रन पे ओवर हुआ है, सिर्फ 1 एक्स्ट्रा है। भाई सकलैन आ गए हैं बॉलिंग पे, पहला ओवर सिर्फ 1 रन पे गया है, और गुड बॉल डॉट बॉल के साथ स्टार्ट किया सकलैन ने भी। ऐसा लगता है कि लो स्कोरिंग गेम होगा आज, जिस तरह से उनकी बैटिंग चल रही है, और डॉट बॉल, डॉट बॉल्स, 8 कंसेक्यूटिव डॉट बॉल्स हो गई हैं, सिर्फ 1 एक्स्ट्रा का रन आया है, बैट से कोई रन नहीं बनाया है। हमाद की बेहतरीन फील्डिंग यार, क्या बात है हमाद, गुड फील्डिंग, हाँ लग जाती तो चौका भी हो सकता था, अच्छा रोका यार।
तीन बॉल एक रन चौथा। ओए होए क्या कैच लिया भाई, क्या कैच लिया असाम द जॉन्टी। जॉन्टी रूट्स वाली फील्डिंग कर दी है सामने, अभी तक बैट से सिर्फ एक ही रन आया है और ये गुड शॉट भाई, अच्छी लेंथ बॉल थी और क्या शॉट मारा है बेहतरीन, पहला छक्का आ गया भाई और वन अप भी हो गई है, ओवर की वन हाइट अलाउ हो चुकी है, अभी हाइट नहीं कर सकते। बैटिंग एंड डायरेक्ट मार देते यार, अमाद के आश्रय में रह गए तुम जो जी, और अमाद में हो रहा है फैसला कौन करेगा तीसरा ओवर। मैं सबको कह रहा था कि आज लो स्कोरिंग गेम होगा, मैं यही बोल रहा था लो स्कोरिंग गेम होगा, लेकिन जोजी ने बॉल हाथ में पकड़ ली है तो आप कुछ नहीं कह सकते, देखते हैं कितने रन आते हैं, दो छक्के आएंगे ज्यादा से ज्यादा अगर आए तो। ओए होए क्या बात है यार, क्या बात है हमाद, गुड फील्डिंग एक्सीलेंट फील्डिंग, एक बॉल एक रन। ओए अच्छा शॉट आया लेकिन फिर रन आउट हो गया भाई, हम की बेहतरीन फील्डिंग, दो बॉलों पे एक रन आ चुका है, तीसरा बॉल करेंगे जो जी और फुल टॉस बॉल, ये रुक सकती थी बॉल, असाम शाम की फील्ड ली थी ये, यहाँ किसकी फील्ड है असाम, ये टेडी की गलती है, प्लेयर इंजर्ड कर दिया, प्लेयर इंजर्ड हुई, छह रन आ गए और मौलाना साहब काफ़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं भाई। उई गुड बॉल, गुड लेंथ से बॉल की जोजी ने, डॉट करा दी, चार बॉलों पे सात रन आए हैं। ओहो मैं फिर से रन आउट का चांस, ओ इंचेस सिर्फ इंचेस अवे फ्रॉम द स्टंप, अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं जोगी आज, काफ़ी एक्टिव हैं, याद खा के आए और ये सिंगल बन सकता है लेकिन नहीं भागेंगे, आठ रन आया, अच्छा ओवर कर दिया जोगी ने, अब इम्तहान है अमाद का, दो दिन में 16 कितने रन देंगे अमाद भाई, ये बोल रहे 20-22 के अंदर, 20-22 के मतलब टारगेट बोल रहा है वो, टारगेट चलो देखते हैं अमाद भाई कितने, मुझे लगता है ऐसा कि अमाद भी जो है वो 12 रन देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। पहली बॉल डॉट हो गई है, दूसरी बॉल करेंगे मात, नो बॉल और सिंगल बन गया, एक बॉल दो रन है, टॉस बॉल लेकिन बैट्समैन फायदा नहीं उठा सके, रन आउट का चांस, ओहो एमएस पोनी धोनी बनने की कोशिश कर रहे थे अम्माद लेकिन नाकाम रहे, विकेट से 1 किलोमीटर दूर बॉल थी, दो बॉलों पे 3 रन, ओहो भाई बैट्समैन नीचे खड़ा है, कहाँ कर रहा है बॉल, दो बॉल है 4 रन दे चुके हैं अम्माद अभी तक दो बॉलों पे, और ऐसा लगता है अगली 4 बॉलों पे कम से कम एक छक्का तो जरूर खाएंगे अम्माद, और जैसा कि मैंने आपको कहा था ऐसा नहीं हुआ बिल्कुल भी, एक रन होगा ये सिर्फ, 3 बॉल 5 रन, चौथा बॉल करेंगे मात, और ये रन रन आउट होगा भाई, 4 बॉलों पे 5 रन दिए अभी तक अम्माद ने, मौलाना साहब हैं स्ट्राइक पे और मुझे ऐसा लगता है 2 बॉलों पे 1 छक्का ज़रूर खाएंगे अम्माद, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है अम्माद के ऊपर, अगर बगैर बाउंड्री कवर कर दिया तो एक बेहतरीन ओवर हो जाएगा अम्माद की तरफ से आज, और रुक गई बॉल, ये पक्का 6 था लेकिन नहीं से रुकी, रन आउट का चांस, जो जी की हाजिर दिमागी पहुंच गए स्ट्राइक लाइन पे और अच्छा रन आउट कर दिया, अभी तक बेहतरीन बॉलिंग कर दिया अम्माद ने, 5 बॉल पे कोई बाउंड्री नहीं खाई, अगर बाउंड्री नहीं खाई तो अच्छा ओवर हो जाएगा अम्माद की जानिब से, लास्ट बॉल इनिंग का, ओह क्या बात है भाई क्या बात है, होशियारी कर दी अम्माद ने, मैं भी नोट कर रहा था बैट्समैन बहुत पहले निकल रहा है, अम्माद की हाजिर दिमागी, डॉट बॉल कोई फायदा नहीं हुआ पहले निकलने का,
क्या बात है माँ, सबसे गुड बॉलिंग यार। अरे इसको बोला था 6 रन का ओवर करना, 22 रन रहेंगे, 23 का टारगेट होना चाहिए बेहतरीन। दो एक्स्ट्रा भाई, मगर वो सही छतू ने काफी गोल छोड़ दिया। कितना है टारगेट? 23 रन का टारगेट है। 23 का टारगेट है, 4 में 23 बनता है यार। मामू बैटिंग चाहिए, मामू आ गया भाई। चलो अपनी बैटिंग स्टार्ट हो गई है, जोजी बैटिंग पे है, जी आ गए हैं स्ट्राइक पे और मैं हूँ नॉन स्ट्राइकर एंड पे। 23 रन का टारगेट है, 24 बोले 23 रन है। कोई पाकिस्तान इंडिया वाला मैच है, ये ना हो कि हाल हमारा पाकिस्तान वाला हो जाए, कोशिश करेंगे टारगेट बना के इंशाल्लाह। इंशाल्लाह तहार बॉलर है, बॉलिंग पे है, जो जी बैटिंग पे खड़ा हुआ है। 23 रन का टारगेट है, 4 ओवर। वाइड बॉल, फर्स्ट बॉल वाइड हो चुका है। दूसरा बॉल अगेन वाइड हो चुका है। बॉल पहला लीगल बॉल, शॉट, ओए कैच ड्रॉप हो चुका है ये जोजी का। क्या कर रहे हो भाई, हारिस भाई बच गए ये लोग। जोजी पूरा बल्ला घुमा, पूरा उठा शॉट। तीसरा बॉल अगेन वाइड हो चुका है, पहला लीगल बॉल एंड ये बॉल आया और वापस लग के वापस चला गया। बच गए हारिस भाई, दोबारा बच गए हारिस भाई। बॉल कराने वाला बॉलर और ये दोबारा डॉट हो चुका है, हाथों में आ गई, बॉलर के हाथ में आ गई दोबारा। रनिंग एंड पे चौथा बॉल बॉलर का और ये बहुत प्यारा सिक्स हो गया। शाबाश जोजी यार, क्या बात है तेरी, मुलाकात हो चुकी है, मुलाकात खुल गई है बल्ले की, चौथी बॉल पे मुलाकात खुली है। 9 रन आ चुके हैं, 4 बॉल है, पांचवा बॉल कराने के लिए। अगेन वाइड हो चुका है, पांचवा बॉल अपने लीगल बॉल कराने के लिए आए और अगेन गुड बॉल कर रहा है भाई, बिल्कुल यॉर्कर नेट बॉल का ये। हारिस भाई रनिंग हैंड पे इंतजार में मेरी स्ट्राइक कब आएगी, लेकिन हारिस भाई की स्ट्राइक ही नहीं आ रही है। लास्ट बॉल और ये रन के लिए कर रहे हारिस भाई, रुक गया और ये जोजी बच गया यार। लास्ट बॉल में रन भागने ही कर रहा था जोजी, हारिस भाई ने बोला मैं भागूंगा ही नहीं और बोलने का स्लिप हो चुका है यहाँ पे। हारिस भाई ये करा गया अपने, यहाँ पे पानी बहुत पड़ा हुआ है, ये कौन सा पानी पड़ा हुआ है। दूसरा बॉलर है, फास्ट बॉलर है, पहले ओवर में 10 रन आ चुके हैं। हारिस भाई ऑन स्ट्राइक, बॉल बल्ले से लग के कैप पे लगा इनके, एक बॉल डॉट हो चुकी है, 13 रन रह चुके हैं 3 ओवर के अंदर। दूसरा बॉल और ये बहुत प्यारा सिक्स मार चुके हैं हारिस भाई। हारिस भाई गुड शॉट यार, लवली शॉट हारिस भाई, 13 रन, 7 रन रह चुके हैं। दूसरा बॉल वाइड बॉल हो चुका है ये, अगेन तीसरा बॉल लीगल बॉल कराने के लिए और हारिस भाई ने अब रन करने की करी है कि जोजी को स्ट्राइक दी जाए, क्योंकि जोजी हमजा से आया दोबारा खेलने के लिए। यहाँ पे हारिस भाई ने रन दे दिया, अब जोजी देखते क्या करता है यहाँ पे खड़ा होकर। चौथा बॉल बॉलर का, इन साइड है जो कि पाँव पे लगा था बॉल, वही रुक गया। 9 रन, 4 बॉले 8 रन हो चुके हैं। पाँचवा बॉल कराने के लिए बॉलर और ये ऊपर मारी गई है काफ़ी, लेकिन रन भाग नहीं करी थी हारिस भाई ने, लेकिन उन्होंने नहीं दिया, फिनिश खुद करेंगे वो। 5 रन रह गए, लास्ट बॉल 5 रन रह चुके हैं और ये नहीं हुआ, हारिस भाई ने रन भाग नहीं करी थी लेकिन नहीं भागे। 12 बॉलों पे 5 रन रह चुके हैं अब यहाँ पे। हारिस भाई ऑन फील्ड खड़े हुए हैं, उन्होंने सब कर दिया है, टैडी को भेज दिया है वहाँ पे। हारिस भाई ने बोला 5 रन है यार, अब क्या ये भी मैं बनाऊँ। बस जो जी खड़ा हुआ है वहाँ पे, टैडी को भेज दिया बेचारे, टैडी की बैटिंग नहीं आती हमारे। 12 बॉलों पे 5 रन रह गए, अब मान ने टाइम डिक्लेयर करा दिया, मुझे बोल रहे हैं कि आप बहुत अच्छा गिर लें। मैंने सोचा आपने खुद करा टाइम डिक्लेयर, हमने बोला 5 रन ही तो है यार, टैडी को भेज देते यार, बोला था कि भाई बैटिंग करा दें तो कराए थे। चलो इंशाल्लाह 12 बॉलों पे 5 रन, न्यू बॉलर आ चुके ठीक है ना। और ये मेरी और ये 4 हो चुका है दीवार से लग के, क्या बात है टैडी, ये कैसा शॉट खेला है तुमने, नीचे से आ रहा है। चलो उन्होंने जीत दे दी, उन्होंने एक रन रह गया था, उन्होंने जीत दे दी। हारिस भाई क्या कहना चाहेंगे? वेल प्लेड भाई जोजी, जोजी ने खतरनाक बैटिंग का मुजाहरा करा, सिर्फ एक ही छक्का मारा है, छक्का देखा, 2 रन आउट और एक छक्का। मैच हम लोग जीत गए माशाल्लाह से, अब हुआ डायरेक्ट हमारा सेमीफाइनल आफ्टर 5-6 मैचेस, क्योंकि टोटल 8 टीम्स खेल रही हैं और डायरेक्ट सेमीफाइनल होगा। ऐसा लगता है कि दूसरे प्लेयर्स और नए नजर आएंगे आपको सेमीफाइनल के अंदर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है अदील भाई, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, काफी टाइम बाद जो है वो आप दी स्पॉट में वापस आए और बैटिंग पे। 3 ओवर का मैच है भाई, सेमीफाइनल कितने रन बनाएंगे? 36-40 करें, 12 का एवरेज लेना है। आप 3 ओवर का मैच है, 18 बॉलों का मैच है, 16 बॉल में रुकूंगा, 2 बॉल पे छक्के मार देगा, 12 रन। आप
ओवर का तीसरा बॉल और अच्छा शॉट अदील भाई, क्या बात है अदील, मैंने पहले ही बोला सुपर स्टार बॉल पे। और चौजी का अच्छा शॉट, 6 रन, क्या बात है भाई।